हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए कि घर पे किस तरह से सॉफ्ट और बढ़िया बिल्कुल मार्केट जैसा पनीर बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति, स्वागत है आपका स्वातिज राज रसोई में। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पतीला लिया है। पतीले में मैं लगभग 2-3 चम्मच पानी डाल दूंगी नीचे, ताकि दूध जो वो चिपके ना। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। मैं 2 लीटर गाय का दूध ले रही हूँ। आप चाहो तो उसकी जगह पर ले सकते हो बफेलो का मिल्क, या जो डेयरी का मिल्क मिलता है वो भी ले सकते हो। तो ये मैंने 2 लीटर दूध को गैस पे रख दिया पतीले में। इसमें हम एक बॉयल आने देते हैं। तो दूध उबल गया है, अब मैं गैस के फ्लेम को कर रही हूँ बंद, और इसे 2 मिनट के लिए मैं ठंडी होने देती हूँ, फिर हम आगे का प्रोसेस करते हैं। दूध को फाड़ने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस है, या तो हम नींबू का यूज़ करेंगे या फिर हम वाइट विनेगर का यूज़ करेंगे। दोनों को हम डाइल्यूट करेंगे तभी यूज़ करेंगे, डायरेक्ट हमें यूज़ इसका नहीं करना है। तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ विनेगर। तो 2 टेबलस्पून के आसपास में मैं इसमें डाल रही हूँ विनेगर, और लगभग 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। अब हम दूध को फाड़ेंगे, उसके लिए हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में विनेगर और वाटर डालेंगे, और उसको इस तरह से करछी से चलाते जाएंगे। फिर थोड़ा हम डालेंगे इसमें, और थोड़ा ये इस तरह से हम मिलाएंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से फट न जाए। देखिए थोड़ा थोड़ा सा ये फटना शुरू हो गया है। इसे हम छोड़ देंगे 2 मिनट, ताकि ये दोनों अलग हो जाए। एक ग्रीन सा वाटर आपको बनेगा और हमारा छेना दोलो अलग हो जाएगा। देखिए कुछ कुछ हो गया है। तो 2 मिनट हम इसे इसी तरह से रहने देते हैं। 1-2 मिनट बाद देखिए बिल्कुल छेना और उसका पानी अलग हो गया है। ये ग्रीन ग्रीन सा जो है वो आपको जब नज़र आ जाए, इसका मतलब कि ये अच्छी तरह से फट गया है। जब आप इसको फाड़ रहे हैं और कभी आपको इस तरह से लगे कि क्वांटिटी आपकी विनेगर की कम हो रही है, ये नहीं फट रहा है ढंग से, तो आप 1-2 चम्मच इसमें और भी ऐड कर सकते हो। अब मैंने एक बड़ा पतीला लिया है, उसके ऊपर इस तरह से एक चलनी डाली है, और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ एक कॉटन का कपड़ा। आप पुराना दुपट्टा, कॉटन के किसी दुपट्टे का, धोती का या साड़ी का भी यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर में हम डालेंगे हमने जो भी पनीर फाड़ा है दूध को, वो हम इसमें डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ध्यान रखना है कि बहुत ही गर्म है, तो सावधानी से हमें काम करना है। तो ये मैंने सारे इस पे ढक दिए हैं, और इसे हम यूं नीचे जो बच गया है ये छेना का पानी, इसे हम यूज़ करेंगे सब्जी बनाने में, या आटा गूंदने में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही पौष्टिक होता है। ये गर्म है, इसे हम पहले थोड़ा सा यूं निचोड़ लेते हैं, और इसे हम हटा देते हैं। अभी ये जो पनीर रेडी हुआ है, इसे हम अच्छी तरह से पानी से धोएंगे, ताकि इसमें जो विनेगर का टेस्ट है वो बिल्कुल निकल जाए। अब इसे इस तरह से चारों साइड से खट्टा करके अच्छी तरह से हम इसका
पानी यूं निचोड़ निचोड़ करके गार लेंगे, जितना आप निकाल सकते हो इस तरह से करके आप निकाल लो। गर्म है, थोड़ा सावधान रहना इसमें। इस तरह से करके हम निकाल लेंगे। अब मैं इसे एक प्लेट पे ले रही हूँ। उस प्लेट के ऊपर इसे रखने के बाद कोई वजनदार चीज से आपने इसे दबा के रखना है। इस तरह का अगर हेवी आपके पास चकला हो तो आप उसको रख दें। मेरे पास एक ये भी है, इसको डाल दीजिए। अगर इस तरह का कुछ आपके पास हेवी चीज़ें ना हो तो आप एक दूसरा अल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, और वो है कि पतीले में पानी भर के आप इसके ऊपर इस तरह से इसे रख दें, ध्यान से कि ये गिरे ना। जितना आपने दूध लिया था लगभग उतना ही पानी इसमें डाल के आप इसके ऊपर रख देंगे लगभग एक घंटे के लिए। तो दोनों में से जो आपको लिए सहूलियत हो वो आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहले मैंने यहाँ चकले को रख दिया है और उसके ऊपर यहाँ मैंने ये पतीला रख दिया है पानी से भर के। इसे लगभग आधे घंटे से 40 मिनट मैं रखूँगी। लगभग 40 मिनट बाद मैं इसे इसके ऊपर से वजन हटाकर मैं इसे दिखा रही हूँ। तो ये तैयार है हमारा पनीर। तो लीजिए, रेडी हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट पनीर मार्केट जैसी। इसको मैं आपको काट के भी दिखा रही हूँ, ये देखिए। अब इसे स्टोर जब करें तो स्टोर करने के लिए किसी डब्बे में पानी डालकर इसे आप रखें, और 4-5 दिन तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। केवल बीच में पानी आप इसका बदल दें। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।